आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर अपना नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, पहले तो वो क्या होती है, देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में अगर दी हुई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नॉन होमोजीनियस कहलाती है। ठीक है, ये जो एल एच एस वाला पार्ट है ये इसको होमोजीनियस बनाता है, और ये जो आर एच एस वाला पार्ट है ये इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट है। इसके लिए आप सी एफ निकालते हैं, इसके लिए आप पी आई निकालते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर ये आपका एफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स, ये डिफरेंट मतलब एक्स की डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ठीक है, एफ एक्स क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ये बात डिस्कस की थी। और अब जो हम कर रहे हैं आज भी वही केस कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे आज हम इसी पे बेस्ड। अगर क्या हो, अपना एफ एक्स क्या हो, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो पहला एग्जांपल हम, पहला एग्जांपल है उसमें जो अपने को दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, वाई डबल डैश प्लस सिक्स वाई डैश प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू फाइव ई की पावर थ्री एक्स। अब इसमें हम इसके जो पहले भी न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और सी एफ निकालना है। तो देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और इसके रूट्स क्या आएंगे, एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो m की दो वैल्यूज आएंगी माइनस थ्री और माइनस थ्री। रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं और रियल हैं, तो आपका सी एफ क्या होगा, सी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वन प्लस एक्स सी टू और e की पावर m होता है, तो e की पावर माइनस थ्री एक्स एम एक्स, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब आपको पी आई निकालना है इस केस के लिए, ठीक है, क्या निकालना है, पी आई निकालना है। पी आई कैसे निकालेंगे आप, वन ओवर एफ डी जो भी आपका फंक्शन ऑफ डी है ई की पावर ए एक्स। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका आपका फंक्शन ऑफ डी है, तो उसको डी की फॉर्म में लिखूँगा, तो ये क्या होगा, ये डी स्क्वायर होगा, ये डी स्क्वायर हो गया अपना, प्लस ये देगा आपको सिक्स डी, सिक्स डी प्लस नाइन, ठीक है, और यहाँ पर ई की पावर ए एक्स क्या, फाइव आपका दिया है, फाइव ई की पावर थ्री एक्स, आप रखेंगे वैल्यू, फाइव आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है तो फाइव, और e की पावर थ्री एक्स भी आगे ले लीजिए, आप d की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, आपको थ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स में आप क्या रखते हैं, इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है e की पावर ए एक्स, और ये हो जाता है वन ओवर एफ ए, ठीक है ना, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर a मतलब d की जगह पर जहाँ भी d आ रहा है वहाँ पर आपको a रखना पड़ेगा, ये a, a क्या है, यहाँ पर थ्री है, तो आप थ्री रख दीजिए, हो जाएगा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू थ्री प्लस नाइन, ठीक है, तो देख सकते हैं आप नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन एटीन थर्टी सिक्स, तो फाइव ओवर थर्टीन थर्टी सिक्स ई की पावर थ्री एक्स, तो ये आपका पी आई हो गया। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा है आपका, सी वन एक्स सी टू, ठीक है, ये आ रहा है सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, और पी आई, पी आई क्या है आपका, फाइव ओवर थर्टी सिक्स ई की पावर थ्री एक्स, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से आप आपको सॉल्व करना है, ये तो पहले की वीडियो में भी हमने देख रखा था। अब थोड़ा सा हट के एग्जांपल लेते हैं, ऐसा केस लेते हैं जिसमें ये रूल जो हो रहा हो फेल हो रहा हो। ये रूल फेल कब होता है, ये रूल फेल तब होता है यदि आप क्या कर रहे हैं, ए रख रहे हैं, ठीक है, जब एफ ए रख रहे हैं और एफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, तो ये वन अपॉन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जांपल है कि आपको दी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डी वाई ओवर डी एक्स
प्लस 9y इज इक्वल टू ई की पावर 3x। ऑलमोस्ट सिमिलर केस है, बस यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, वहाँ पे 5 नहीं है। ये इसके लिए हम निकालते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे आप सी एफ, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि होगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो m की फिर से दो इक्वल वैल्यूज आ रही है, 3 और 3। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका, सी एफ हो जाएगा सी वन प्लस एक्स सी टू और e की पावर 3m। ये आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे आप, पर्टिकुलर इंटीग्रल वही फार्मूला 1 ओवर डी एफ डी ई की पावर ए एक्स जो होता है वो क्या होता है, ई की पावर ए एक्स 1 ओवर एफ ए के बराबर होता है। ये फार्मूला लगाया आपने और आपने रखी वैल्यूज, तो यहाँ पर 1 ओवर एफ डी क्या है अपना, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 है, और ई की पावर ए एक्स क्या है यहाँ पर आपका, ई की पावर 3x है, e की पावर 3x। तब अब आप जहाँ पर a की वैल्यू, d की जगह पर क्या रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है 3 है, जो कि क्या है 3 है। जब आप 3 रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि भाई e की पावर 3x तो आगे आ गया 1 ओवर, यहाँ पर आएगा आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। ठीक है, ये आ गया, और आप देख रहे हैं ये 9 दे रहा है, ये प्लस 9। ठीक है, तो 9 9 18, प्लस का और माइनस का 18, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रूल जो है अपना वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जब रूल फेल होता है तो उस कंडीशन में जो पीआई होता है, अगर एक बार रूल फेल हो रहा है तो आपको क्या करना है, 1 ओवर डी ई की पावर ए एक्स जो होता है वो, उसका जो सोल्यूशन होता है वो एक्स ई की पावर ए एक्स ओवर एफ डैश ए हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, इस डी का क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे अगले टर्म में, और एक्स ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा और ई की पावर ए एक्स वैसे ही है। ठीक है, एक्स एक आगे आ जाएगा और आपको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रखते हैं, और अगर फिर से इस केस में भी जब आप रख रहे हैं एफ डैश ए, और एफ डैश ए रखने पर ये रूल फेल हो रहा है, अगर रूल क्या हो रहा है आपका, फेल हो रहा है, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में भी बिल्कुल सिमिलर केस करेंगे कि पी आई जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और एफ डबल डैश ए। इस कंडीशन तक अगर ये भी फेल हो रहा है तब भी आप दोबारा करेंगे इसको, फिर आप क्या करेंगे एक्स क्यूब रख लेंगे आगे और ई की पावर ए एक्स और एफ ट्रिपल डैश ए, और उसमें आप वैल्यू रखेंगे। जब तक आपका पी आई की वैल्यू नहीं आती तब तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, अपना रूल यहाँ पे फेल हो रहा है तो अपने याला फार्मूला लगाते हैं। तो पी आई क्या आना चाहिए अपना, पी आई निकालते हैं। तो जब अगर मैं एफ डैश करूँगा, ठीक है, एफ डैश डी करूँगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 2d। ठीक है, डी स्क्वायर का 2d होगा और माइनस 6d का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर आपका क्या है, 3x है। अब जब वैल्यू रखेंगे आप इसके अंदर 3 की, ठीक है, और आगे x आ गया एक, ठीक है, आगे x भी आता है, यहाँ पर देखिए x आ रहा है। ठीक है, अब 3 की आप d की जगह पर 3 रख देंगे तो x e की पावर 3x ओवर क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस, अब फिर से रूल फेल हो रहा है, देखिए 6 माइनस 6 फिर से रूल फेल हो रहा है, तो आप फिर से यही प्रोसेस करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पर क्या आएगा आपका, बचेगा यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2, यहाँ पर क्या बचेगा आपका सिर्फ 2 और ई की पावर 3x। अब यहाँ पर कोई डी है ही नहीं जिसमें आप वैल्यू रख सकें, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x ओवर 2, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x ओवर 2 जो हो जाएगा, ये आपका पी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है अगर आपका पी आई के केस में रूल फेल हो रहा है। तो देखिए इसमें करा क्या हमने,
पहले हमने फॉर्मूला लगाया अपना, जो फॉर्मूला होता है ठीक है, मोस्टली केसेस में यहाँ पर अपना आंसर आ जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है आंसर ठीक है, तो रूल फेल हो रहा है क्योंकि अपॉन में ज़ीरो आ रहा है। अपॉन में जब भी ज़ीरो आता है तो ये जो चीज़ थी इसका जो आंसर होता है, सोल्यूशन होता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप में एक्स आगे लेना है और ई की पावर ए एक्स, बस एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, एक बार क्या कर देना आपको, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। अगर फिर से रूल फेल हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो यही किया अपनों ने, यहाँ पर भी रूल फेल हो रहा था, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रूल फेल हो रहा है आपका, तो आपने फिर से इसका फॉर्मूला लगाया और ये वाला फॉर्मूला लगाया पी आई का ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया और इस बार आपका आंसर आ गया, इस बार तो डी बचा ही नहीं जिसमें आप डी की वैल्यू रख सकते थे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल्स और लेते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन से बेस्ड, एक मिक्स्ड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं जिसमें यूज़ हो रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल वाली के ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे। तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश माइनस सिक्स वाई डैश प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू सिक्स ई की पावर 3x प्लस 7 ई की पावर माइनस 2x माइनस लॉग 2 ठीक है, ये अपनी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर आप देखें तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका उसमें जो आपको LHS वाला पार्ट दिया था, यहाँ भी वही LHS वाला पार्ट दिया, तो CF जो आएगा वो तो सेम आएगा दोनों का, इसका भी CF क्या आएगा, C1x C2 e की पावर 3x ही आना है, इसका CF भी यही आएगा। बात आती है PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है अपना FD जो होता है वो होता है e की पावर AX, तो जो भी अपना ये वाला पार्ट दिया है ये पूरा पार्ट लेते हैं, 1/FD क्या है अपना, यहाँ पर ये है अपना डी स्क्वायर माइनस 6D प्लस 9 और ये वाला पार्ट 6e की पावर 3x प्लस 7e की पावर -2x माइनस log 2 ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6 आगे आ गया 1/D² - 6D + 9e की पावर 3x ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 आगे 1/D² - 6D + 9e की पावर -2x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/D² - 6D + 9 और ये लॉग है ठीक है, log 2, तो log 2 तो कुछ नहीं होता, log 2 को आगे ले लो आप log 2, लेकिन जब मैंने क्या बताया log 2 एक कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट है तो आपको आगे क्या लेना पड़ेगा, e की पावर 0x आगे ले लो, हो जाएगा काम ठीक है। जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो उसके साथ क्या ले लो, e की पावर 0x ले लो, ये भी मैंने बताया था ठीक है फर्स्ट वीडियो में, तो आपको ये करना है, आपने e की पावर 0x रख दिया आगे। अब आपको क्या करना है, डी की जगह पर सिर्फ ए को रिप्लेस करना है ठीक है, ए यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर ए -2 है और यहाँ पर ए 0 है, तो इस केस में देखो ये जो केस है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, और इसमें हमें पता है दो बार रूल फेल हो रहा है, दो बार रूल फेल हो रहा है और इस वाले पार्ट का जो आंसर आता है वो e की पावर x² क्या आ रहा था, x² e की पावर 3x/2 आ रहा था ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर 6 भी है, ऊपर 6 भी है मल्टीप्लाई में, ये बाहर वाला एक्स्ट्रा, तो बस 6 से ये हो जाएगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 3x² e की पावर 3x, किस वाले पार्ट का, इस वाले का, प्लस अब इस वाले पार्ट का क्या आएगा 7, आप -2 रख दो डी की जगह पर, तो ये आएगा आपका -2² - 6 × -2 + 9 ठीक है, ये देगा आपको -log 2 ओवर डी की जगह पर 0, तो 0 + 0 + 9 ठीक है, e की पावर 0x। अब मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, स्पेस कम है तो ठीक है, तो
क्या आएगा? पहला वाला पार्ट तो आ रहा है आपका पी आई, जो पी आई आ रहा है उसका पहला पार्ट तो आपको मिल गया 3x² e की पावर 3x। इस वाले पार्ट की वैल्यू आ रही है 4 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12, ठीक है, 16 16 प्लस 9 तो आ जाएगा आपका 25, ठीक है, तो 7/25, ठीक है। और आगे चल रहा है आपका e की पावर -2x, तो e की पावर -2x, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है माइनस का लॉग 2/9, ठीक है, और e की पावर 0x, e की पावर 0x ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, पी आई की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। और सी एफ तो मैंने आपको बता दिया, सी एफ क्या था इसका, वही था जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, यानी कि c1 प्लस x c2 e की पावर 3x, तो सेम ही आ जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।